ट्विस्ट तब आता है कहानी में जब उन दोनों की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है एंड एक न्यू कैरेक्टर नील की एंट्री हो जाती है. ही इज काइंड ऑफ हॉटी बाय द वे. रानी जो है शी स्टार्ट्स टू फैंटेसाइज नील इन हर ड्रीम्स एंड वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है. Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel. I am Digdarshini. I hope आप सब ठीक हो. Anyway, jumping to today's video, आज का video काफी interesting होने वाला because it's going to be a movie review. Yes. So guys, दो दिन पहले मैंने एक movie देखी थी which is हसीन दिलरुबा. मैं इस movie का ना desperately wait कर रही थी Netflix पे आने के लिए क्योंकि जब से मैंने इसका trailer देखा I was taken aback क्योंकि इसमें मेरा favorite hero है विक्रांत मैसी. He is such a versatile actor. उसकी acting की मैं बचपन से फैन हूँ. आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ विक्रांत मैसी एंड मैंने वो मूवी फाइनली देख ली है एंड इस मूवी रिव्यू में मैं स्पॉइलर अलर्ट भी देने वाली हूँ. बट डोंट वरी, मैं पूरा मूवी का मजा किरकिरा नहीं करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोना स्पॉइल द सस्पेंस फॉर यू गाइज. आई वॉन्ट यू गाइज टू सी द मूवी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बट बिफोर गेटिंग टू स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलो शुरू करते हैं फिर. आज इतनी ज्यादा गर्मी है, आई एम लिटरली स्वेटिंग लाइक अ पिग और बीच बीच में मैं ऐसे फैन भी करने वाली हूँ, सो डू नॉट माइंड गाइज. बट वी गॉट डू व्हाट वी गॉट डू, सो लेट्स स्टार्ट द मूवी रिव्यू. सो इस मूवी में तीन मेन एक्टर्स ने तीन मेन कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया है इस मूवी में. सो रानी हैज बीन प्लेड बाय तापसी पन्नू, रिशु हैज बीन प्लेड बाय विक्रांत मैसी एंड नील हैज बीन प्लेड बाय हर्षवर्धन राणे. तीनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है लिटरली. सो पहले सीन में एक गली दिखाते हैं एंड वहां से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बहुत बड़ा धमाका होता है. उस घर के सामने रानी जो कि तापसी पन्नू खड़े होके कुछ कुत्तों को मीट खिला रही होती है. जैसे वो धमाका सुनती है एंड शी रियलाइजेस कि उसी के घर में धमाका हुआ है, वो दौड़ के जाती है अपने घर में, ढूंढती है किसी रिशु को. पूरा घर जो है आग के लपटों में आ चुका है एंड पूरा घर जो है धुआं धुआं हो चुका है. रानी रिशु को ढूंढ रही होती है एंड उसकी नजर फ्लोर पे पड़ती है एंड वो देखती है कि रिशु का कटा हुआ हाथ इतना रिस्क तक फ्लोर पे पड़ा हुआ है. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कटा हुआ हाथ है उसके रिस्ट पे रानी लिखा होता है. जाहिर सी बात है कि इस सीन को या फिर इस माहौल को देख के आपको पता चल जाएगा कि रानी के घर में ब्लास्ट हुआ है एंड रिशु जो कि रानी का हस्बैंड है वो उसकी मौत ब्लास्ट से हो गई है एंड उसका कटा हुआ हाथ जमीन पे पड़ा हुआ है. Meanwhile. ऑब्वियसली तब तक पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर पे आ गई थी एंड रानी इज टेकन टू द पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वेयर शी इज ऑल्सो सस्पेक्टेड एज द मर्डरर फॉर हर ओन हस्बैंड. क्रेजी राइट. अब इस पूरे इंटेंस सीन के बाद कहानी को ले जाया जाता है एक साल पहले. सो अब जो कहानी शुरू होती है वो एक साल पहले क्या हुआ था वो दिखाया जाता है. So it is shown that Tapsee Pannu, who is also playing the character of Rani in the film, who is very playful, chulbuli and bubbly, जिनकी शादी के लिए उनके मॉम डैड रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बट उसको हस्बैंड चाहिए जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट हो, वाइल्ड हो, बहुत ज्यादा हैंडसम हो, मोस्ट प्रोबेबली जॉन अब्राहम जैसा चाहिए. बट उसके किस्मत का टाका विक्रांत मैसी जो कि रिशु कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में उनके साथ भिड़ जाता है. आई मीन सो इंटरेस्टिंग. इफ यू टॉक अबाउट रिशु ऑन द अदर हैंड वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी शादी के लिए जस्ट लाइक रानी. एंड उसके कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो रिशु इज अ गाय हु इज भोला भाला एंड एन एवरेज लुकिंग गाय. ही हेल्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. ही इज एन इंजीनियर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड ज्वालापुर. रिशु के फैमिली रानी के फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, उसकी शादी की बात तय करने के लिए जाते हैं, तो रिशु काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है एंड उसको रानी बहुत ज्यादा पसंद आती है पहली बार में. बट ऑन द अदर हैंड रानी थोड़ी सी डिसअपॉइंट होती है रिशु को देख के ऑफकोर्स, क्योंकि उसको चाहिए था जॉन अब्राहम टाइप वाला हस्बैंड. सो जब उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही थी शी वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड. बट जैसे तैसे करके रानी के परिवार वाले रानी को कन्विंस कर लेते हैं टू मैरी रिशु एंड समहाउ रानी कन्विंस भी हो जाती है. सो शी डज अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद हर शादी एंड हर
हस्बैंड रिक्वायरमेंट. सो स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट एक दिन वाइल रिशु वॉज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, वो रानी को फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ लेता है अपने मम्मी से, वेयर शी वॉज टॉकिंग अबाउट देयर प्राइवेट लाइफ, कि रिशु और रानी की प्राइवेट लाइफ कैसे चल रही है. शी वॉज टॉकिंग ऑल ऑफ इट टू हर मॉम, एंड वो ये बता रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड एंड डिसइंटरेस्टेड है शादी से. तो रिशु को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस. तो उस दिन से ही स्टार्ट्स टू इग्नोर रानी, और यू कैन से ही स्टार्ट्स टू बिहेव लिटिल वियर्ड इन फ्रंट ऑफ रानी. ट्विस्ट तब आता है कहानी में जब उन दोनों की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही होती है, एंड एक न्यू कैरेक्टर नील की एंट्री हो जाती है. ही इज काइंड ऑफ हॉटी बाय द वे. रानी जो है शी स्टार्ट्स टू फैंटेसाइज नील इन हर ड्रीम्स, एंड वो उसके करीब जाने की कोशिश करती है बिकॉज नील इज अ पर्सन हु वॉज फिटिंग प्रॉपरली उसके हस्बैंड रिक्वायरमेंट में, बिकॉज ही वॉज हॉट, बिकॉज ही वॉज हैंडसम, ही वॉज वाइल्ड एंड एवरीथिंग. बाय द वे अगर आप सोच रहे हो नील कौन है, नील रिशु का कजन होता है, एंड नील भी भाभी भाभी करके उसके करीब चला जाता है. कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है, बट एक दिन अचानक से आउट ऑफ नो वेयर नील शहर छोड़ के चला जाता है. रानी नील को बहुत ज्यादा मिस करती है, एंड शी इज ऑल लेफ्ट अलोन बिकॉज रिशु की अभी भी उससे बात नहीं हो रही होती है. एंड देन शी रियलाइजेस कि शी हैज स्टार्टेड फॉलिंग फॉर हिम, एंड उसको उससे प्यार हो गया है. सो रानी डिसाइड करती है टू कन्फ्रंट रिशु. ऑब्वियसली वो सीन काफी ज्यादा इंटेंस था. जब रिशु ये सुनता है ही इज वेरी वेरी शॉक्ड एंड नम टू रियलाइज कि उसकी ये हसीन दिलरुबा ने क्या क्या गुल खिला रखे है उसके घर में. ही इज टोटली हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड, आई मीन वो पूरी तरीके से बिखर जाता है. एंड तभी वो रियलाइज करता है कि यार ऐसे तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इतना प्यार किया एंड बदले में उसने मुझे क्या दिया. शी चीटेड ऑन मी, वो भी मेरे भाई के साथ, दैट इज टोटली अनफेयर, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा. तो धीरे धीरे क्या करता है ना, रिशु पागल होते जाता है, वो साइको हो जाता है धीरे धीरे. ही डिसाइड्स टू पनिश रानी. तो वो अजीब अजीब तरीकों से रानी का मर्डर करने की कोशिश करता है. आई नो दिस साउंड्स वेरी वेरी स्केरी एंड क्रूएल ऑफ कोर्स. कभी उसको आग से मारने की कोशिश करता है, कभी उसको सीढ़ियों से फिसला के मारने की कोशिश करता है. वो धीरे धीरे पूरा पागल हो चुका था बिकॉज उसको लगता है रानी ने जो उसके साथ किया है उसको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी मच पिस्ड ऑफ विद द कैरेक्टर ऑफ विक्रांत मुंशी, बिकॉज आई नो कि रानी हैज चीटेड ऑन हिम, बट स्टिल यू नो एक होता है कि ह्यूमैनिटी होता है कि आप ऐसे नहीं मार सकते किसी को, आई मीन ऐसे मर्डर नहीं कर सकते, वो भी आपकी वाइफ का. रानी को पता होता कि ये सब जो मर्डर प्लान कर रहा है वो मेरा पति कर रहा है, बट देन शी रियलाइजेस बाय टाइम कि मुझे रिशु से ही प्यार है, नील से प्यार नहीं है. नील से बस एक अट्रैक्शन था, एंड वो जैसे भी पनिशमेंट मुझे दे रहा है आई विल एक्सेप्ट इट वॉट एवर मे हैपन टू मी. सो रिशु का साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता जाता है, अंटिल वन डे रानी बर्स्ट आउट एंड शी सेज कि यार तुम्हारा ये साइलेंट ट्रीटमेंट मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है, तुम धीरे धीरे मुझे क्यों इतना तड़पा रहे हो, क्यों मार रहे हो, इससे अच्छा तुम मेरे को एक ही बार में खत्म कर दो, फिनिश कर दो. फिर रिशु भी रानी को ऐसे देख के मेल्ट हो जाता है बेचारा, एंड वो भी समझ जाता है कि हाँ यार ठीक है, लड़की अब सुधर गई है, लेट्स जस्ट फॉरगिव हर एंड आगे बढ़ते हैं, लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देते हैं. एंड ऑब्वियसली ही रियलाइजेस कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, हाउ कैन आई हार्म हर लाइक दिस, तो ठीक है इसको माफ कर देते हैं. फिर कहानी एक नॉर्मल पेस में चलती है, वेयर इट शोज कि सब कुछ दोनों के बीच में, रिशु और रानी के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड काफी हद तक सही हो जाता है. दोनों फिर से प्यार में पड़ने लगते हैं, रिशु फॉरगेटिंग अबाउट द मिस्टेक ऑफ रानी एंड रानी हरसेल्फ फॉरगेटिंग अबाउट नील. बट बीच में एक दिन आउट ऑफ नोवेयर नील वापिस आ जाता है टू कन्फ्रंट रानी एंड उन दोनों के बीच में आग लगाने के लिए. फिर जो होता है ना वो देखने लायक है स्टोरी में, मैं इसके बाद कुछ बताने वाली. वो एक्चुअली अपने हस्बैंड की मर्डरर है या नहीं, उसका हस्बैंड एक्चुअली मरा है या नहीं, नील का क्या हुआ, ये सब सवाल जो है आपको इस मूवी में मिलेगा आगे जाके. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना हर टाइम ऐसा होता है कि कोई भी मूवी देखती हूँ मैं बीच में ना मोबाइल चलाने लगती हूँ, इंस्टाग्राम चलाने लगती हूँ, बट दिस मूवी केप्ट मी इन वन स्पॉट एंड लिटरली मैंने एक बार भी मोबाइल नहीं देखा. इट वॉज सो मच ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग टू द एंड.
ओके, मुझे कैसी लगी ये मूवी? मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी, क्योंकि ऐसी लव स्टोरी जिसमें रोमांस हो, जिसमें सस्पेंस हो, जिसमें कॉमेडी भर भर के हो, लिटरली आप फर्स्ट हाफ में ना लोटपोट हो जाओगे दोनों की हरकतें देख के, दोनों की फैमिली की हरकतें देख के। इसमें थ्रिलर भी है, इसमें सस्पेंस भी है, एंड व्हाट नॉट, बहुत अच्छे से इसकी कास्टिंग करी गई है, एंड सॉन्ग्स वर अमेजिंग। आई मीन जो फर्स्ट फेज ऑफ द मूवी है, जो कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक है, सब कुछ सही चल रहा है, तो इट वॉज वेरी ढिचिक ढिचिक वाला म्यूजिक, बहुत ज़्यादा प्लेफुल म्यूजिक था। बट देन जब सेकेंड हाफ में सब कुछ सीरियस हो जाता है, थोड़ा इंटेंस हो जाता है, तो म्यूजिक भी वैसे ही फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है म्यूजिक भी। सो म्यूजिक वॉज अमेजिंग। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 stars। दिस मूवी वॉज अ कम्प्लीट पैकेज एंड, बट हाँ, मैंने इस मूवी के ना मिक्सड रिव्यूज देखे हैं। आई हैव सीन सो मेनी पीपल क्रिटिसाइजिंग अबाउट द मूवी, टेलिंग कि इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। बट आई वुड से कि अगर आप इस मूवी को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे एंड पेशेंटली देखोगे ना, यू विल रियलाइज कि कितने सारे रेफरेंसेज एंड हिंट्स दिए गए हैं बाय द डायरेक्टर। अगर आप इन सब चीज़ों को, रेफरेंसेस को या हिंट्स को मानकर चलोगे, तो आपको आपके आंसर्स जो है बेस लेवल पे मिल सकते हैं। बट इफ़ यू ट्राई टू डीप डाउन घुसने की कोशिश करोगे कि यार इसमें लॉजिक क्या है, क्यों हुआ, ऑब्वियसली दैट्स अ मूवी यार, मूवी को मूवी की तरह देखो। जैसे कि स्टार्टिंग में मूवी के फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी में दिखाया गया है कि रिशु इज सीन टेकिंग सम होम्योपैथिक मेडिसिन, बट वो क्यों लेते हैं कि एक एक करके सारे सवालों के आंसर्स मिलते जाएंगे आफ्टर द सस्पेंस लास्ट सीन। हाँ, इस मूवी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, 3 main characters के अलावा इस मूवी में एक और मेन कैरेक्टर था, विच इज अ बुक। यस, अ बुक जिसने की पूरी मूवी को अपने बलबूते पे फ्रेम किया है। द बुक इज अ मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर नॉवल रिटर्न बाय दिनेश पंडित। इस मूवी में इस बुक का बहुत ही भारी इन्फ्लुएंस या रेफरेंस दिया गया है। आपको अगर याद होगा कि लास्ट ईयर एक मूवी आई थी, ये साली आशिकी, एंड बहुत लोगों ने उसको OTT प्लेटफॉर्म में पसंद किया था। इनफैक्ट मुझे भी वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट अगर आप उसमें देखोगे, उसमें लॉजिक का एल भी नहीं है, दैट्स टोटली नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। यार सस्पेंस मूवी में वैसे भी कोई लॉजिक जो होता है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। द मूवी शुड बी वेल एंगेजिंग, वेल स्क्रिप्टेड एंड वेल एग्जीक्यूटेड, एंड दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी एंड आई एम टोटली सैटिस्फाइड, एंड एकदम जिसको कहते हैं ना पैसा वसूल वाली मूवी थी, ये वैसी मूवी है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, स्प्रेड लव, बाय। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो यार, इतनी मेहनत में, आई मीन देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है मुझे यार, प्लीज कर दो उसके लिए एटलीस्ट एक सब्सक्राइब, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। बाय।